वेलकम बैक व्यूअर्स, व्यूअर्स टू वेला यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में खुशामदीद। तो आज की वीडियो जो सी है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप गूगल से फ्री इमेजेस एंड वीडियोस ले सकते हैं जो कॉपीराइटेड फ्री होंगे, जिनको आप अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर चाहें तो आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर उन फोटोज या वीडियोस को इजीली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट इशू। उसके अलावा आप लोगों के साथ वीडियो के एंड पे एक लिस्ट शेयर की जाएगी ऐसी वेबसाइट्स की जहां से आप फ्री स्टॉक वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ही इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और वो कॉपीराइटेड फ्री होंगी। अगर आप ये सारे बोनसेस लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ फाइल है मेरे पास ओपन है, ये पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एंड पे देनी थी लेकिन फर्स्ट ही दे रहा हूं, तो आप यहां से ये सारी वेबसाइट्स जो हैं ये चेक कर सकते हैं। ये फ्री स्टॉक वीडियो साइट्स हैं और ये फ्री स्टॉक इमेजेस साइट्स हैं, यहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। एक आधी साइट्स मैं आपको यूज करके भी बता दूंगा नेक्स्ट थोड़ा सा चल के। अभी बात करते हैं हमने गूगल से किस तरह डाउनलोड करनी है। तो गूगल में आपने लिखना है जो जिस किस्म के आपको इमेजेस चाहिए। राइट नाउ अगर मुझे इमेजेस चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सर्च करता हूँ। मैंने गूगल के अंदर सर्च किया, यहाँ से इमेजेस के टैब के अंदर मैंने आ जाना है। इमेजेस के टैब के अंदर आने के बाद मेरे पास डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर आ रही हैं। अब इनमें से कुछ इमेजेस कॉपीराइटेड होती हैं और कुछ इमेजेस कॉपीराइटेड नहीं होती, तो वो हमने कैसे सेलेक्ट करनी है, हमने जाना है यहाँ से सेटिंग्स के अंदर, टूल्स के अंदर चले जाना है। टूल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिखा है यूजेज राइट्स, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने देखना है लेबल्ड फॉर रीयूज, ठीक है, या लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज विद मॉडिफिकेशन, लेबल्ड फॉर नॉन री, आपने यहाँ पे क्लिक जो करना है वो करना है लेबल्ड फॉर रीयूज। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद जी मेरे पास ये जितनी पिक्चर्स आ रही हैं ना, ये सारी की सारी पिक्चर्स जो सी हैं आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कॉपीराइट, ये सारी पिक्चर्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहें तो आप फिर ये लेबल फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, आप इन इमेजेस को जो है यूज कर सकते हैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके। तो ये मैंने आपको तरीका बताना था। अब आप किसी भी किस्म के पिक्चर्स जो हैं वो गूगल से ही डायरेक्टली ले सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीवर्ड रिसर्च, मुझे कीवर्ड रिसर्च के लिए जो है पिक्चर्स चाहिए, तो लेबल फॉर रीयूज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये जितनी इमेजेस आई हैं ये सारी की सारी जो हैं मैं अपने आर्टिकल्स में अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्या है कि ये सारी इमेजेस फ्री हैं, फ्री टू यूज हैं, कोई भी इनको यूज कर सकता है। ओके, उसके बाद इसी तरह अगर आप वीडियोस में आ जाएं, यहाँ से मैं वीडियोस के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है, टूल्स के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एनी टाइम एनी ड्यूरेशन इसके टूल्स यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट टूल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने देखना है जो सिंपल यहाँ पर लिखा होगा ना सर्च इंजन वाली, ठीक है, आपने ये सर्च इंजन लैंड की। ये जो पिक्चर जितनी वीडियोज आ रही हैं इनकी सर्च इंजन की, ये सारी की सारी जो हैं आप यूज कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो उनकी ओरिजिनल क्वालिटी है, लेकिन इन्होंने ये अपनी वीडियोज जो हैं ये कॉपीराइटेड फ्री रखी हुई है। जस्ट ये एसईओ के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। आप जो सा भी कीवर्ड सर्च करेंगे ना, लाइक मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, यहाँ पे देखिए टूल्स के अंदर डिफरेंट चीजें आने लग जाएंगी। देखिए अब यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, rave.com, इस कीवर्ड के ऊपर जिस जिस ने वीडियोस अपलोड की होंगी वो सारी यहाँ पर आ रही हैं। अब प्रॉब्लम आता है कि आपको इसमें से वीडियोस कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए, तो उसके लिए हम डायरेक्टली चलते हैं यूट्यूब के अंदर, ठीक है। यूट्यूब भी गूगल का ही ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ आपने यूट्यूब से किस तरह वीडियोज लेनी है, लेकिन वो वीडियोस आप सारी ए टू जेड नहीं यूज करेंगे, ये भी बात याद रखिएगा। वीडियोस के अंदर ये कुछ आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, सर्च करता हूँ, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपने फिल्टर्स के अंदर चले जाना है, फिल्टर्स के अंदर जाने के बाद अब आपने ना कुछ ऑप्शन यहाँ पर देख लेने हैं, वो ऑप्शन आप देख लेने के बाद उन ऑप्शन को ट्राई करिएगा, पहले नहीं उनको ट्राई करिएगा। अगर ये डायरेक्टली अगर आप कहेंगे आपको पता है तो ये सारा कुछ क्रिएटिव कॉमेंट्स का, तो आप सबको पता होगा, आपने सिंपली क्रिएटिव कॉमेंट्स के ऊपर चले जाने। अब आपके पास ये वीडियोस आ रही हैं, तो क्या आया ये वीडियोस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं,
हाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ लिमिट है। वो लिमिट्स क्या है, अब वो लिमिट्स आप रीड करिएगा। लिमिट्स टू यूज सीसी वीडियोस। अब यहाँ पे ये सीसी वीडियोस को यूज करने की लिमिट मैं बताने लगा हूँ। फर्स्ट यूज ओनली 30 to 40 सेकेंड। जस्ट कोशिश करें कि 30 से 40 सेकंड का ही क्लिप आप अपनी वीडियो के अंदर यूज करें। फर्स्ट सेकंड, इफ यू यूज मोर देन 40 सेकंड गिव देम क्रेडिट। फिर उन्हें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जहां से आपने वीडियो कॉपी की है, डिस्क्रिप्शन के अंदर छोटा सा क्रेडिट डाल दें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये दो बस क्राइटेरिया हैं आपको सीसी वीडियोस को यूज करने के। इन दो क्राइटेरियाज को अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अब बात आ जाती है इमेजेस का, मैंने आपको बता दिया, वीडियोज को बता दिया, कुछ आपको मैं अब इमेजेस की साइट बताता हूँ जहाँ से आप इमेजेस फ्री डाउनलोड कर लें। lifeofpics.com, इसके ऊपर बहुत अमेजिंग पिक्चर्स आते हैं, देखिए सिंपली फ्री टू डाउनलोड है। आप सिंपली क्या करें, इनके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, इसके नीचे डाउनलोड का बटन बना होता है, आप सिंपली वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो साइट्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, इन साइट्स के अंदर ना कुछ ऐसी साइट्स हैं जो जिनके ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, तो आप सिंपली फ्री अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इमेज डाउनलोड की और फुल HD इमेज डाउनलोड होगी, विदाउट एनी कॉपीराइट, विदाउट एनीथिंग, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके पास फ्री वीडियोस भी हैं, आप सिंपली lifeofvideos.com ये वेबसाइट है, आप यहां से फ्री वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह brush.software.com, ये पिक्चर्स जितनी आ रही हैं सारी HD पिक्चर्स हैं और आप इनको सिंपली डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी सिचुएशन, आप सिंपली इनको क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। लाइक यहाँ पे अगर हम फर्ज करते हैं मुझे एक इमेज चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो इमेज डाउनलोड होकर आए, तो कोई भी इमेज ले लेते हैं जो कि मैं इन फ्यूचर भी यूज कर सकूं। एज ए डेस्कटॉप भी आप मेरा देख रहे हैं, वो डेस्कटॉप भी मैंने डाउनलोड ही किया हुआ है अभी, तो मैं सिंपली कहता हूं मैं ये पिक्चर डाउनलोड करना चाहता हूं, मैं हाई रेजोल्यूशन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, और उसके बाद ये इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। इससे पहले जो इस इमेज के ऊपर मैंने डाउनलोड क्लिक किया था, ये देखिए फुल HD पिक्चर डाउनलोड होके हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अभी ये जो हैंड होल्ड वाली पिक्चर भी यहाँ पर देखिए हमारे पास HD पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। सेम इसी तरह नेक्स्ट वेबसाइट आ जाती है, ठीक है, इस वेबसाइट से भी आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्कवर फ्री फोटोज में जाना है, फ्री फोटोज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे गैलरी ओपन होकर आ जाएगी और इसके अंदर आपको तमाम फ्री फोटोज मिल जाएंगे। इस तरह आपके पास मजीद साइट्स आगे आते जाएंगे, जितनी साइट्स आप एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये इमेज है, मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। ये देखिए लॉगिन टू डाउनलोड, इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा अकाउंट, फ्री अकाउंट है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, आप बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पिक्सेल्स का आपको पता ही होगा, ये साइट भी आप यहां से सिंपली पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और stocksnap.io ये वेबसाइट है, लिंक्स आपको सारे ये PDF फाइल में मिल जाएंगे, आप सिंपली वो PDF फाइल से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट इमेजेस मिल जाएंगी, आप ये इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्लैश और कैनवा का जो फ्री फोटोज वाला वर्जन है आप वो यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्स अबे को कैसे भूल सकते हैं, वहां से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। अब इतनी साइट्स आपको बता दें, तो कुछ फोटोग्राफी की भी साइट्स हो जाए, ये फोटोग्राफी की साइट्स है, इतनी ज्यादा साइट्स मैंने आपको बता दी। यहाँ से आप सिंपली कोई वीडियो आपको पसंद आती है, आप सिंपली उस वीडियो के ऊपर क्लिक करें और उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये देखिए अभी लाइक यहाँ पे ये जो वेबसाइट है pixel.com की वीडियोस, इसके अंदर ये देखिए कुछ वीडियोस आ रही हैं, आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप सिंपली वो वीडियोस के, अगर आपके पास IDM इंस्टॉल और डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा, अगर IDM नहीं इंस्टॉल तो उस वीडियो को ओपन करें, फिर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ये देखिए वीडियो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप सिंपली उसको डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास ये वीडियो HD के अंदर डाउनलोड होकर आ जाएगी। सेम इसी तरह video.net, इसके अंदर डिफरेंट आपको वीडियोज मिल जाएंगी। आउटर स्टॉक है, ये वेबसाइट्स हैं, तो ये सारी वेबसाइट्स मैंने आपको दे दी हैं। आप PDF फाइल ओपन करें, उसके अंदर आपको ये वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे, सिंपली इनके ऊपर जाएं और वीडियोस को डाउनलोड कर लें। इन वीडियोस को आप अपनी YouTube वीडियोस में यूज कर सकते हैं, अगर आर्टिकल्स में यूज करना चाहें तो आर्टिकल्स में यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट, किसी भी कॉपीराइट के बिना, ठीक है। तो होप सो आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये मैंने ओपन की फाइल, तो यहाँ पर देखिए ये HD के अंदर डाउनलोड होगी।
तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में ओपन करें। और उसके अलावा अगर आप न्यू ट्रिक्स लेना चाहते हैं और ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा चैनल www.youtube.com/tutsvila लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना आपने एक काम करना है, ये जो बेल आइकन होता है इसको प्रेस करना है, और इसको प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाएंगे। जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।